मेरठ लोकसभा सीट के बाद समाजवादी पार्टी ने बागपत सीट पर उम्मीदवार बदल दिया है। सपा ने अब जाट प्रत्याशी को हटाकर ब्राह्मण प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा है। यहां से पहले मनोज चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया था, जिनका नामांकन से एक दिन पहले टिकट काटकर अमरपाल शर्मा पर भरोसा जताया गया है। अमरपाल शर्मा ने गुरुवार को अपना नामांकन का पर्चा भी दाखिल कर दिया है। यहाँ से RLD यानी NDA की तरफ से राजकुमार सांगवान चुनावी मैदान में हैं। अमरपाल शर्मा गाजियाबाद की सहियाबाद सीट से BSP के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े थे और जीत दर्ज की थी। बुधवार को टिकट बदले जाने से दो दिन पहले से समाजवादी पार्टी का सिंबल लेने को लेकर खींचतान चल रही थी। मनोज और अमरपाल शर्मा दोनों ही लखनऊ में डेरा डाले हुए थे और नामांकन का केवल एक दिन बाकी रहने से पहले समाजवादी पार्टी ने अमरपाल शर्मा को प्रत्याशी बनाने की घोषणा कर दी। लोकसभा चुनाव में बागपत से सपा के उम्मीदवार अमरपाल शर्मा साहिबाबाद से बसपा से विधायक रह चुके हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के पहले ही वे बसपा का दामन छोड़कर सपा में चले गए थे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि चुनाव के पहले दल बदलने वाले नेता हैं। अमरपाल शर्मा ने कांग्रेस और सपा गठबंधन से 2017 के विधानसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाई थी, हालांकि तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बागपत में सपा प्रत्याशी अमरपाल शर्मा का सीधा मुकाबला RLD और BJP गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर राजकुमार सांगवान से है। मेरठ से ताल्लुक रखने वाले राजकुमार सांगवान ने MA और PhD की है। वो 1982 में मेरठ में राष्ट्रीय लोक दल के जिला उपाध्यक्ष बने थे। इसके बाद साल 1986 में RLD ने उन्हें छात्र राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। 1990 में राजकुमार सांगवान मेरठ के युवा रालोद के जिलाध्यक्ष भी रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजकुमार सांगवान का राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। वर्तमान में वो जयंत की पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि जाटलैंड की इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने पहले जाट बिरादरी से आने वाले मनोज चौधरी को टिकट दिया था, लेकिन नामांकन से ठीक एक दिन पहले उनका टिकट काट दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक NDA की तरफ से डॉक्टर राजकुमार सांगवान को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद सपा कार्यकर्ता जाट बाहुल्य सीट पर ब्राह्मण चेहरा उतारने की मांग करने लगे थे। इस बीच साहिबाबाद से पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा का नाम बागपत में तैरने लगा और मनोज चौधरी के अलावा अमरपाल शर्मा भी अपना चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए थे।